बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। जैसा मैंने कहा ना कि कितना ही चक्रव्यूह रच लो, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो चक्रव्यूह के अंदर जाना भी आता है और बाहर भी आना आता है। आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जो पिछले 5 वर्षों में हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम लूटा गया, ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए आपने वोट दिया है। बहरोड पहुंचे पूर्व सांसद एवं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी, जिस दौरान मेन चौराहे से महंत बालकनाथ योगी का स्थानीय लोगों ने पटाखे फोड़कर एवं खुली जीप में बिठाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत करते हुए लेकर आए, जिस दौरान बहरोड पंचायत समिति में प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तराम यादव एवं जनप्रतिनिधियों ने बालकनाथ योगी का बड़ी फूलमाला से स्वागत किया। वहीं गाजे बाजे के साथ स्थानीय लोग नाचते खुशी मनाते हुए विधायक बालकनाथ योगी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, डॉक्टर नीलम यादव, बलवान सिंह यादव, महेंद्र यादव, एडवोकेट रोहितास यादव, मंडल अध्यक्ष संजय मीर, राधेश्याम बोहरा सहित उपस्थित सभी लोगों ने महंत बालकनाथ योगी का स्वागत किया। बालकनाथ योगी ने उद्बोधन के दौरान बहरोड एवं तिजारा की समस्त जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। जानकारी के लिए बता दें कि बालकनाथ योगी विधायक का चुनाव जीतने के बाद पहली बार बहरोड पहुंचे हैं। साथ ही योगी ने राजस्थान में हुए भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, जनता का पैसा जिन्होंने खाया है उनसे वापस निकालकर जनता की भलाई के लिए लगाया जाएगा। इस मौके पर जिला पार्षद सुनील यादव, वेद प्रकाश खबरी, एडवोकेट राजाराम यादव, भामासा हितेंद्र यादव, मुनवाड़ा सरपंच दिलीप यादव, लोकेश यादव, विक्रम गुर्जर, डॉक्टर ऋषिदेव यादव सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे। बहरोड की अच्छाई के लिए, बहरोड के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहते हैं। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं आदरणीय महाराज जी के स्वागत के लिए, और आज भी एक छोटे से बुलावे पर आप सब यहाँ पहुंचे हैं। आज इस मौके पर महाराज जी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि भले ही वो MLA बने हैं तिजारा के, पर बहरोड पर अपना स्नेह बनाए रखे, बहरोड वासियों पर अपना स्नेह बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, क्योंकि भविष्य में भी हमें उनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही महंत जी ने इस इलाके में आदरणीय प्रधान जी ने सारे कामों का ब्यौरा दिया। कोई ग्राम पंचायत बहरोड की निमराणा की जिले की नहीं छोटी जिसमें सांसद कोष का पैसा नहीं लगा हो। यहाँ पर हाईवे पर पुल दहमी में आपका जागवा चौक पे आगे जैनपुर वास में भी बनना प्रस्तावित है। ऐसे ऐसे काम महन जी ने किए जो निश्चित रूप से आदमी की उम्र तो निश्चित सालों में है, लेकिन ये काम है ये पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों तक, कई अरसे तक, सदियों तक ये जिंदा रहते। ये काम महन जी ने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का बेड़ा उठाया था, उस दुर्भाग्य की बात है हमारी इस इलाके की, एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर विधायक बना जिसको काम से कोई ताल्लुक न, उसको सिर्फ बाधा डालने का काम करना, उसको सिर्फ पड़ंगा डालने का काम करना, कभी भेटड़ा में जमीन को ले जाकर अधिकारियों को खड़ा कर देते थे, कभी अंतपुरा में कर देते थे, कभी और कहीं ले जाके, कभी खोर में बसई में, कार्यकाल निकल गया और हम मोहताज रह गए उस केंद्रीय विद्यालय का। महाराज जी इस इलाके की इच्छा है कि आपका वो केंद्रीय विद्यालय का बेड़ा जो आपने उठाया था उसको किसी न किसी रूप में करने का काम करें, हम आपका बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, आपका खैर मकदम अदा करेंगे, केंद्रीय विद्यालय हमारी बहुत बड़ी मांग है। बहुत ही गर्व का क्षण है ये, बहुत ही सुखद अनुभूति है इस पल में, क्योंकि 500 वर्षों बाद में भगवान रामलला विराजमान हुए हैं और पूरे भारत में एक बहुत ही सकारात्मक माहौल है, बहुत ही सुंदर माहौल है, और वहाँ प्रभु श्री राम के श्री चरणों से आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में पहुँचा हूँ, और भगवान श्री से यही प्रार्थना लेकर आया हूँ कि हमारा ये क्षेत्र अपितु पूरा भारतवर्ष उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, हमारा ये जीवन राष्ट्र सेवा में मानव सेवा के
पथ पर आगे चलते हुए हमारा जीवन ये सार्थक हो। जिस प्रकार से अभी यहाँ के विकास के बारे में चर्चाएं हुई, केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात हुई, मैं आपसे विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। मैंने उस समय भी कहा था और मुझे लगता है जल्दी ही आने वाले समय पर गिलोट या निमराना के अंदर उसका भूमि पूजन होगा और एक 150 बेड का हॉस्पिटल हमें ईएसआई का भी जल्दी ही आने वाले समय पर अपने को यहाँ पर जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए मिलेगा। ये तो हम सब जानते ही हैं कि मुंह से खाया हुआ कभी पेट के अंदर रहता नहीं है, वो निकलता ही निकलता है। चाहे हम अन्न खाएं, चाहे हम फलाहार करें, कुछ भी खाएं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, निकलेगा ही। अगर अंदर रुक गया तो आदमी पेट के दर्द से मर जाएगा, लेकिन निकलेगा जरूर, चाहे तो उसके प्राण निकलेंगे और चाहे कुछ और निकलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसने भ्रष्टाचार का अपने इस भैरोड़ के अंदर पैसा खाया है, वो चैन की नींद, असल में चैन की नींद तो वो सो ही नहीं सकते हैं, नींद तो उड़ी हुई है, गोलियां लेके भले सोते हो। ऐसा मत सोचना कि हम बोल नहीं रहे हो, हमारी कार्रवाई चल रही है धीरे 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 धीरे। सुशासन के लिए तुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से आपने राजस्थान की जनता का पिछले 5 वर्ष के अंदर इस कांग्रेस शासन ने, कांग्रेस के नेताओं ने एक संप्रदाय विशेष के लोगों को खुश करने के लिए उनको राजस्थान की जनता की कमाई का 50 लाख रुपया जो आपने उनको अनुदान एक क्षतिपूर्ति के रूप में दिया है, उसकी वसूली के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और राजस्थान की जनता ने बनाई है। और पुनः आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि हमारा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित है, आपकी सेवा के लिए समर्पित रहेगा। ये सांसद कार्यालय है, यहाँ खुला था, यहाँ खुला है और यही खुला रहेगा, इसको कोई बंद करने वाला नहीं है। एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान होता है, किस प्रकार से व्यवहार होता है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसे हमारा ये तहसील या ये विधानसभा आगे बढ़ेगी, किस नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, इस भाव से आप सबने जो इस चुनाव के अंदर अपने एक विश्वास का और अपने कर्तव्यों का जो परिचय दिया, मैं उसके लिए पूरे भैरोड़ की जनता का धन्यवाद अभिनंदन करता हूं कि आपने इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर पुनर् ये प्रमाणित किया है कि अधर्म चाहे कितने ही पागंडर कर ले, अधर्म चाहे कितने ही ढोंग कर ले, लेकिन धर्म सदैव जीतेगा ही। और धर्म का जब जीतने के समय आता है तो धर्म अपना परिचय देता है, वो चुनाव के अंदर आपने दिया है। आपको पता तब लगेगा जब एकदम से बुलडोजर चढ़ेगा। इसे लेकर आगे बढ़े हुए हम और जिसने खाया है उसका निकाल कर रहेंगे, निश्चित रूप से निकलेगा। आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है भ्रष्टाचार के इस कांग्रेस के शासन से मुक्ति पाने के लिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में जो गुंडागर्दी का माहौल पूरे राजस्थान प्रदेश में बना है उससे मुक्ति पाने के लिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है जो पिछले 5 वर्षों में हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम लूटा गया, ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए आपने वोट दिया है। जैसा मैंने कहा ना कि कितना ही चक्रव्यूह रच लो, उस समय पर चक्रव्यूह रचा गया आज से 5000 वर्ष पूर्व, लेकिन उस समय पर चक्रव्यूह को के अंदर प्रवेश करना आता था, बाहर निकलना नहीं आता। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो चक्रव्यूह के अंदर जाना भी आता है और बाहर भी आना आता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे तिजारा की और बहरोड़ की जनता? देखिए, चुनाव जीतने के बाद में प्रथम बार यहाँ पर आना हुआ तिजारा का जो चुनाव हुआ, और मैं यहाँ पर नियमित आता ही रहता हूँ, लेकिन चुनाव के बाद में नहीं आ पाया था, आज आना हुआ है आपका, क्योंकि आप सब लोग वहाँ चुनाव लड़ने गए हुए थे, क्योंकि मूल जन्म इस भूमि ने दिया है, पूरे अलवर क्षेत्र की भूमि ने दिया है और वहाँ पार्टी ने दायित्व दिया था कि वहाँ पर चुनाव लड़ना है, और आप सबके सहयोग से, तिजारा की जनता के लगाव से, तिजारा की जनता के मत से ये चुनाव आप सब ने, हम सब ने मिलकर जीता है। और आप सब लोगों को जैसे सूचना हुई कि यहाँ पर
आने का कार्यक्रम बना है, तो आप सब लोग आए हैं शुभकामना देने, शुभ आशीष देने, और आप सबकी शुभकामना और शुभ आशीष के साथ में हम अपने देश और अपने समाज के इस पूरे राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहें, ऐसी प्रार्थना करना। जनप्रतिनिधि चुना गया हूं तिजारा से, वहां की जनता की सेवा करना मेरा परम धर्म और परम प्राथमिकता है, लेकिन समस्याएं कहीं की भी उठा सकते हैं, कहीं की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि पूरे प्रदेश का होता है और पूरे प्रदेश की जनता ने दायित्व दिया है, तिजारा हमारी विधानसभा है, वहाँ की जन समस्याएँ तो हैं ही, लेकिन यहाँ की जन समस्याओं को भी सुनना और यहाँ के लोग भी, क्योंकि सब लोग एक ही तो हैं, पूरे अलवर के लोग एक हैं, तो सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण ज़्यादा से ज़्यादा हम पर हमसे हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर पाएँ, तभी तो हमारा जीवन सार्थक है। देखिए, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा जब दुनिया ले जाएगी तुम्हें लूट। कांग्रेस को ले जाएंगे लोग लूट के, ये तो राम नाम की लूट है, इसको तो जितना लूट सके उतना लूटो, इससे आपका भी कल्याण होगा और आपके माध्यम से देश और दुनिया का भी कल्याण होगा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों की विपरीत बुद्धियाँ हैं। राम जी विराजमान हो गए, अब देखिए परिवर्तन देखने को मिलेगा, और ये जो कांग्रेस के लोग और जिस प्रकार से इन लोगों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है, जनता अब आने वाले चुनाव में इनको ऐसी ठोकर मारेगी कि ये सात समंदर पार आपको भी नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा मिट्टी में मिलेंगे, अभी तो मिट्टी पे बिठा देंगे, मिट्टी में मिलाने का समय होगा तो वो भी उस समय पर विचार किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कीमत पर, चाहे कोई किसी के भी पैर पड़ ले। हम पूरी विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि उनको भ्रष्टाचारियों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे, उनकी फाइल बंद नहीं होगी, उनकी फाइल खुली ही खुली रहेगी, और उनको जनता के खाए हुए पैसे को निकाल कर, जनता की सेवा में वो पैसा लगे उसको निकाल कर रहेंगे। महाराज जी, आपने ये भी कहा कि बुलडोजर जल्दी चलने वाला है, तो क्या लोकसभा से पहले बाद में? मतलब एक बुलडोजर प्रतीक हो चुका है अधर्म पर धर्म की जीत का, विनाशकारियों पर, अत्याचारियों पर, गुंडे मवाली बदमाशों भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर उसका प्रतीक हो गया। ज़्यादा शब्दों में हम कहते कि ये करेंगे, एक बुलडोजर का नाम से स्पष्ट हो है कि ये बुलडोजर चलेगा तो गुंडों पर, बदमाशों पर, भ्रष्टाचारियों पर, और जिन लोगों ने जनता का पैसा खाया उन पर चलेगा, तो वो कानून का बुलडोजर है। जी आए हैं बैरोड में चुनाव जीतने पर पहली बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का स्वागत कार्यक्रम? महाराज जी के आगमन पर सभी बैरोड वासियों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि बैरोड महाराज जी की जन्मभूमि है, और हम सब ने महाराज जी से आग्रह किया है कि भले ही वो विधायक चुने गए हैं तिजारा के, पर अपना आशीर्वाद बैरोड पर बनाए रखें, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को उनकी तो खड़े रहेंगे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, एससी एसटी एनटीएससी एवं ओलम्पियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी जीपीएस स्कूल में, आरआईएमसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। बैरोड क्षेत्र के दुगेड़ा गांव के समीप राठ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल ने आज आरटीएससी 2024 प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों को लाखों रुपए के चेक वितरित किए। साथ ही कक्षा 11वीं के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा में 1752 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। विद्यालय के शिक्षक जले सिंह यादव ने बताया कि हर वर्ष की तरह राठ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल के द्वारा आरटीएससी राठ टैलेंट सर्च परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया था। यह परीक्षा दो लेवल में होती है, प्रथम लेवल में परीक्षा पात्रता के लिए व द्वितीय लेवल की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों को विद्यालय के चेयरमैन बलवान सिंह यादव ने प्राइज के रूप में चेक वितरित किए, जो लगभग 13 लाख रुपए के थे, जिसमें कक्षावर अधिकतम प्रथम स्थान पर 51,000 रुपए, द्वितीय स्थान पर 31,000 रुपए, तृतीय स्थान पर 21,000 रुपए, वे चतुर्थ स्थान पर 11,000 रुपए, वे पांचवें स्थान से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को 5100 रुपए से पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त सर्टिफिकेट और मोमेंटो भी भेंट किए गए। परीक्षा का स्तर बच्चों की कक्षा के अनुसार निर्धारित था। यह परीक्षा राठ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल के 3 शाखाएं बहरोड, अलवर और कुंड में एक साथ आयोजित की गई थी। सेक्रेटरी नितेश यादव, डायरेक्टर शिवानी यादव ने बताया कि राठ विद्यालय की शिक्षा प्रणाली क्षेत्र में सबसे अलग है और सफलता प्राप्त विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया गया, वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर प्राचार्य केपी बर्वे, प्रदीप सैनी, मंजू यादव, एकेडमिक डायरेक्टर संदीप यादव, प्राचार्य कुसुम यादव, निशा यादव सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था, यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान, यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में आईआईटी नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।